तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते गाओ गाओ गुनगुनाओ कुछ। वो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, हो जोता वालिए पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। गाने गाने चला, गाने गाने कुछ गुनगुनाने। जय माता दी। जय हो जय हो। जय माता दी। सारे बोलो, मिलकर बोलो, जोर से बोलो। ओ मैं नहीं सुनया,
फिर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ऊंचिया पहाड़ा लाया डेरा मेरी माँ शेरा वालिए, गाओ गाओ खुली करी गाओ सब गाने गाने चला तब लगा बढ़िया। जय माता जाल पा, माता जाल पा, तेरी जय जय करा, जय माता जाल पा, जय माता जाल पा। ये सीध खड़ी पा झंडे पकड़ी पहले मम्मी देख ऊपर, हाँ जी मम्मी ऊपर जान करें। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
भव्य कलश यात्रा, बहुत ही भव्य आयोजन देवी माता के दरबार में महामाई सैकड़ों की तादाद में ये बुजुर्ग महिलाएं भी पूरा बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। ए माता दी चलो 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 और ये प्रियंका ठाकुर क्लोजिंग करती हुई Thank you.
अगर इन आंखों में ज्यादा आ जाए तो ऑपरेशन करेंगे डॉक्टर साहब। लेकिन जब मन के जो चक्षु है जिससे भगवान का भगवती का दर्शन होता है, अगर उन आंखों के अगर आगे ज्यादा आ जाए तो उसके आगे मोती अभी आ जाए तो कैसे उपचार करना है? बोले प्रभु जी हमारे मन की आंखों के आगे पाप कर्म का जाला आ गया है, आप जो है उपचार करिए। तो उपचार क्या है, कौन करेगा उपचार? सदगुरु पूरे वैद्य है और अंजन है सत्संग, और ज्ञान शला का जब लगे कटे मोतिया बिंद। सदगुरु कोई महापुरुष ना तो यहाँ पर आवे और अपने प्रवक्ता वाणी से जो है तो सुंदर जो है तो कान में जो तो शब्द डाले, दवाई डाले और डालने के बाद वेद शास्त्र सम्मत उपदेश करे, और ऐसा उपदेश करने से ही अंतःकरण में जो पाप कर्म का जाला है वो हट जाएगा, और हटते ही साक्षात मां भगवती सामने खड़ी हो जाएगी माता। तो सब करिए प्रार्थना। प्रार्थना करने से क्या नहीं होता, हमारे जीवन में जब कुछ भी अपने पास नहीं रहता, अपना कमाया हुआ भी जब पास में नहीं रहता, अपना अपना पैदा किया हुआ भी जब अपना साथ नहीं देता, तब भी एक चीज हमारे साथ रहती है और उस चीज का नाम है प्रार्थना, प्रेयर। इसलिए बालक को स्कूल में सबसे पहले पढ़ाया नहीं जाता, पहले प्रार्थना सिखाई जाती है। और यहाँ जो 9 दिन का यहाँ पर यज्ञ है, नवाहन यज्ञ है, 9 दिन तक कथा क्या है, 9 दिन की प्रार्थना ही है। जब कुछ काम नहीं आता तब प्रार्थना काम आती है। जब माला नहीं घूमेगी, जब गाय नहीं जाएगा, मलमूत्र भी तो धारी में होने लग जाएगा, इधर उधर वाले कहेंगे कि गया गया गया, और कहीं कहेंगे मर जाता तो बढ़िया था। तब एक ही समय के साथ आता है, एक ही चीज आती है, क्या? प्रार्थना। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता।
श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो